इन सब चीजों को मैं नॉइस मानता हूँ व्हाट इज योर नॉलेज व्हाट इज योर परसेप्शन से वैसा काम करना चाहिए आप बाहरी चीजों को सुन के अपना परसेप्शन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप एक लेगिंग काम कर रहे हो मतलब कि आप इन्फ्लुएंस होकर उस काम को कर रहे हो कंपनी तो ग्रो तो नहीं कर रही exactly. एक्चुअल में और लेकिन उनके स्टॉक्स प्राइस ऊपर जा रहे हैं तब वो मार्केट बबल होता है आप लोग इस तरीके से समझो की पांच अगर मार्केट में गिरावट होती है ना तो उसे कुल बैक कहा जाता है अगर 10 परसेंट की गिरावट होती है मार्केट में तो उसको करेक्शन कहा जाता है मार्केट गिरने वाला है मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है मार्केट 2020 की तरफ फिर से 40 टू 50 परसेंट गिर जाएगा ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से लेकिन क्या ये सच में ऐसा होने वाला है इसमें कितने फैक्ट्स हैं और कितने मिथ्स हैं तो आइए ये सारी बातें जानते हैं इस वीडियो में मैं हूँ आपकी बंधु नेहा और आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर शिवाल रस्तोगी जिन्हें तेईस सालों का एक्सपीरियंस है सर ने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है उनका वेल्थ क्रिएशन में और ट्रेडिंग करने में तो आइए उनसे जानते हैं मार्केट बबल के बारे में लेट्स स्टार्ट द वीडियो हेलो सर वेलकम टू द वीडियो हेलो नेहा सर आजकल आप हम देख रहे हैं जैसे कि मार्केट को लेके बहुत सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा मार्केट में फिर से एक बहुत बड़ा जैसे कि 2008 और 20 में क्रैश आया था वैसे ही क्रैश लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या है सर ये क्या चीज है मार्केट बबल क्या होता है सर ओके okay. जैसा कि मार्केट बबल नाम है मार्केट बबल से आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे ये एक बलून है उसमें एयर ओवर स्ट्रेच हो गई है तो क्या होगा बलून ब्लास्ट हो सकता है ठीक है तो इसी तरीके की संज्ञा दी गई है मार्केट बबल के नाम से मार्केट को कि मार्केट में बहुत तेजी आ चुकी है इसलिए लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि मार्केट भी कभी भी क्रैश कर सकता है फट सकता है तो आ, ये मार्केट बबल की परिभाषा होगी अब ऐसा लोगों को क्यों लग रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स में अगर हम स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे लगभग लगभग कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10 10 20 20 गुना भी हो गए हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पाँच गुना पे हैं आठ गुना पे हैं तो उनकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हैं इसलिए लोगों को ये संभावना लग रही है कि ये बबल हो सकता है ठीक है ओवरऑल जो सिनेरियो है ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक मार्केट बबल की तरह है बट ऐसा कुछ नहीं है अगर आप नंबर्स पे जाके देखेंगे तो उनके नंबर्स भी उसी तरीके से ग्रोथ हुए मार्केट बबल हम तब कह सकते हैं मार्केट को जब नंबर्स स्टेगनेंट हो मतलब कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो, उनकी सेल्स नहीं हो रही हो लेकिन प्राइस मूव हो रहा हो स्टॉक का बढ़ रहा है तो सर अभी हम ये माने कि जो स्टॉक्स परफॉर्मेंस चल रही है पिछले दो तीन सालों से कोरोना के बाद से ज्यादा ही ग्रोथ मार्केट ने लिया है जितना अप तो एक्चुअल में वो ग्रोथ है हम ये माने ऐसा देखे क्या हुआ है की जो इंडिया है इंडिया एक कंजम्पशन हब है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई है उसकी वजह से हर एक प्रोडक्ट चार में से एक इंसान को चाहिए होता है इसलिए ये ग्रोथ आई है और इसके बाद में जो इंटरफेस चेंज हुआ है इंडिया का ग्लोबली वो काफी डिफरेंस ला रहा है इंडिया की इकोनॉमी में जैसे कि डिफेंस की बात करें तो डिफेंस सेक्टर अपने हाथ में हम नेट इंपोर्टर थे डिफेंस के आज के डेट में हम एक्सपोर्टर बन गए केमिकल के बारे में अगर हम बात करें तो केमिकल में भी हम सेम सिनेरियो पे थे इम्पोर्टर थे आज की डेट में हम एक्सपोर्टर हैं तो बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं जो इंडिया में नए डेवलप हुए हैं उनकी वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है लोगों की सैलरीज भी बढ़ी हैं लोगों का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और इन सब चीज़ों के चलते हुए इकोनमी ग्रो हो रही है और सबके सेल्स नंबर अच्छे होने की वजह से वहाँ पे ग्रोथ भी दिखाई पड़ रही है हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे स्मॉल कैप मिड कैप में जहाँ पे ओवर रेटेड हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं प्राइस वाइज बट द थिंग इज कि अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का लूँ तो अभी भी मैनी थिंग्स जहाँ पे जूस अवेलेबल है और लोग अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं तो मतलब ये माने सर कि जो कंपनीज़ हैं वो एक्चुअल में ग्रो कर रही हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक्चुअल में है जी। तो लेकिन सर फिर भी अगर हम आजकल देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या कह लें जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी ये चीज़ें फैला रहे हैं या ऐसा लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो आप क्या कह मानना है सर कि मतलब ये चीज़ें वो ऐसा कर रहे हैं तो किसी इंटेंशनल उनके दिमाग में कोई चीज़ें हैं तो वो फैला रहे हैं और कितना इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का देखिए इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि ये जैसे कि मैं भी अगर कोई चीज़ आ, आपके सामने बोल रहा हूँ या सबके सामने बोल रहा हूँ तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं मार्केट के बारे में समझता हूँ या जो मैंने आज तक सीखा है मार्केट से हो सकता है कि उनकी ऐसी ऑब्जर्वेशन हो कि मार्केट गिरने वाला है तो मैं किसी को गलत या सही नहीं कह सकता बट थिंग इज कि जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है और मार्केट एक सब्सटेंशियल ग्रोथ दे रही है ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी ग्रोथ दिया है अगर मैं ये मानता कि 2023 की जगह तरह हमने 2021 देखा 2022 देखा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 2021-22 में स्टॉक्स नहीं चले थे 2023 में अच्छे स्टॉक्स चले लेकिन जब 2024 में हम आए तो शुरुआती महीनों में हमने देखा कि स्टॉक्स चल रहे थे बट आज की डेट में स्टॉक्स में इतना उथल पुथल नहीं है इतना फ्लक्चुएशन नहीं है कि मैं उसे ओवर स्ट्रेस करूँ ठीक है जहाँ तक बबल की बात देखिए अब हर तरीके के लोग मार्केट में मिलेंगे अगर कोई बायर है तो कोई सेलर है अगर बायर सेलर दोनों मीट आउट नहीं करेंगे तब तक ट्रेड ही नहीं, नहीं होगा तो। ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा तो आ, मैं ऐसा कहूंगा कि हर समय मार्केट में ऐसे लोग रहते हैं जो कि 50 परसेंट सेलिंग माइंडसेट से बैठे हुए हैं और जो 50 परसेंट है वो बाइन माइंड से बैठे तभी मार्केट चल रही है वरना मार्केट ही नहीं चलेगी तो किसी को किसी समय पे वो स्टॉक ओवर प्राइस लगता है तो वो सेल करता है और किसी को वहां पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वो उसे बाय करता है तो सर अगर एक इन्वेस्टर्स जो चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है तो उन्हें इन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए या उन्हें इन चीज़ों पर रिएक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मैं कई बार ये बात बोलता हूँ और मैं दोबारा से ये बात बोलूँगा कि देखिए जो कंट्रोलेबल चीज चीज़ें हैं हमारे लिए हम उनको ही कंट्रोल कर सकते हैं हम बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई इन सब चीज़ों को मैं नॉइस मानता हूँ व्हाट इज योर नॉलेज व्हाट इज योर परसेप्शन से वैसा काम करना चाहिए आप बाहरी चीजों को सुन के अपना परसेप्शन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप एक लेगिंग काम कर रहे हो मतलब कि आप इन्फ्लुएंस होके उस काम को कर रहे हो बट इट मे इंपैक्ट योर फाइनेंशियल गोल्स ऑल्सो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको इंटेक्ट रखने के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को सिमिलर पैटर्न पर रखना पड़ेगा बहुत सारी अनसर्टेनिटीज की बात हम लोग करते रहते हैं मार्केट बबल की बात करते रहते हैं जैसे कि 2008 में आपको याद होगा कि मार्केट बबल आया था और मार्केट क्रैश भी हुई थी फिफ्टी परसेंट का करेक्शन आ गया था इसी तरीके से दो में जब कोविड सीनारियो हुआ तो वहां पर भी यही सेम सिनारियो ऑफले हुआ था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि बाजार खत्म ही हो जाएगी और पैसा नहीं बन पाएगा स्टॉक मार्केट में लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली मार्केट ऊपर गई ना और उस लेवल को भी ब्रीच करके चार पांच गुना और अप्रीसी दिया थी थी। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको तो डरने की कोई बात ही नहीं है अगर मान लीजिए बाय एनी चांस मैं कहता हूँ कि एक परसेंट चांस है ऐसा क्रैश आने का भी तो भी उसको तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर उसने कर रखा है अगले पंद्रह साल के लिए या बीस साल के लिए इन्वेस्टेड है तो उसे डरने की क्या बात है उसके पास में तो पैसा फ्री होना चाहिए थोड़ा सा कि वो अगर मान लीजिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो वहाँ पे पंप इन कर सके तो अगर इतना में है, आपको पता तो है कि पिछले 20-30 साल में मार्केट ऊपर ही आया है तो, अगले 20 -30 साल में भी ही आया। तो फिर इन सब चीजों से डरने की क्या बात है आपने वॉर लाइक सिचुएशंस देख ही ली ठीक है आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कोविड लाइक सिचुएशन देखी आपने ठीक है आपने ब्रेक्सिट भी देखा आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला भी देखा उनका इम्पेक्ट पड़ा लेकिन शॉर्ट टर्म के के लिए लिए कितने कितने टाइम के लिए, ठीक है और बहुत सारी बातें तो लोगों को याद भी नहीं होंगी जी बिल्कुल होती है तो वो वो चीज़ें क्या हो जाता है एक मेमोरी बन जाती है हम आज की चीजें देख के एक्शन करने लगते हैं हम ये कभी नहीं सोचते कि अगले पंद्रह बीस सालों में क्या होने वाला है अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ मार्केट में रहता भी है तो वहाँ डरने जैसा कोई बात नहीं है और मतलब हम इन इंफ्लु पे ना जाके जो एक्चुअल हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है जो भी इंडिया में चीजें आ रही है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें कि वो इन फ्यूचर देंो करेंगे इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ लोग दो हजार आठ के सीनारियों को और दो हजार बीस के सीनारियों को mm. वो कंपेयर कर रहे हैं आज की मार्केट से तो ये किस हद तक सही है सर की कंपेयर करना सही है या नहीं देखिये मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि तीन बार मार्केट बीस परसेंट से ज्यादा गिरी है पहले तो 2001 में गिरी थी उसके बाद में 2008 में गिरी और उसके बाद में 2020 में गिरी ठीक है तो अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो कितने साल का डिफरेंस है सात साल का डिफरेंस है 2001 से 2008 में तो और लगभग लगभग बारह साल का डिफरेंस है आठ से बीस आठ से बीस के बीच में तो अब ये पीरियड अगर यहाँ से एनालिसिस आप करते हैं 2020 से 2024 पे हम खड़े हैं तो ये केवल चार साल है ठीक है दूसरी चीज ये भी है कि जैसे 2008 का बहुत लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उस समय पे जब मार्केट क्रैश हुई थी तो उसके दो सबसे बड़े रीजन थे एक पहला रीजन था सप्राइम लैंडिंग इशू आया था और दूसरा रीजन था लेमन विदर्थ क्राइसिस आई थी ठीक है और वो दोनों इवेंट्स यूएस में हुए थे इंडियन मार्केट में नहीं हुए थे <laughs> लेकिन क्योंकि यूएस मार्केट जो था उस समय सुपर पावर था और वहां से ही सारी इकोनॉमीज चलती थी उसके अकॉर्डिंग ही इस वजह से इतना बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट आया था दो में और अगर आप 2008 से 2024 की इकोनॉमी का कंपेयर करें इंडिया का ही केवल तो आप देखेंगे कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है और बहुत इकोनॉमी में ग्रोथ आई है तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट की जो ग्रोथ है वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है उस समय मार्केट केवल और केवल एक मिररिंग करता था यूएस मार्केट से अगर यूएस मार्केट में बाजार तेज होता था तो इंडिया में भी तेज हो जाता था अगर यूएस में गिरता था तो इंडिया, इंडिया में, में भी गिर जाता था आज की डेट में उल्टा हो गया है अगर आप देखेंगे कि इंडिया में अगर मार्केट गिरेगी तो यूएस में गिरती है और इंडिया में बढ़ती है तो यूएस में बढ़ती है तो ये बिल्कुल इंटरचेंज हो गए ये चीजें तो, तो ये हमारी इकोनॉमिकली सर एक पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन है हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि करेक्शन आ सकता है तो हाँ बिल्कुल आ सकता है करेक्शन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आएगा ही नहीं लेकिन उसके कुछ सिनेरियो हो सकते हैं मान लीजिए कि अगर वर्ल्ड वॉर हो गई तो आ ऐसा मैं मानता हूं लेकिन आप एनालिसिस कैसे करोगे कि आने वाला है कुछ होने वाला है आप कैसे मानोगे भाई जब वो घटित हो जाएगा तभी तो आपको पता चलेगा और उसके बाद में जब 10-20 परसेंट अगर मान लीजिए मार्केट करेक्ट हो गया तभी आप एग्जिट कर पाओगे उससे पहले एग्जिट नहीं कर पाओगे और वहीं से अगर पलट गई बाजी तो क्या होगा यही बात कहूंगा की आपको अपने अंदर कंट्रोल रखना है अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो आप उसी में आप देखिए आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो और कितना आपको रिवॉर्ड उसके हिसाब से आप अपनी पोजिशनिंग मार्केट में करिए तो अभी हम कुछ रिसेंट कोई ऐसा इवेंट आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं ऐसा कोई इवेंट आपको लग रहा है कि जिसका कोई बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे आने वाला हो आपको लगता हो सकता ठीक है हो सकता है कि एक इवेंट आने वाला है जैसे कि आप सबको पता है यूएस में इलेक्शन है जी ठीक है तो उसकी वजह से कुछ आउटप्ले हो सकता है उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी कंडीशन और ग्लोबल पॉलिटिकल कंडीशन में चेंजेस आ सकते हैं ठीक है तो हो सकता है कोई चेंजेस आए लेकिन मैं अभी इतना नेगेटिव नहीं हूँ उन सब चीजों को लेके क्योंकि रिजल्ट तो अभी आना है okay. अभी क्या होगा आगे चल के क्या होगा ये बस अज्यूम ही कर सकते हैं ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में करेक्शन जैसा बहुत है बड़ा करेक्शन देखिए हाँ, एक चीज और भी है कि आप लोग करेक्शन को कैसे समझो आप लोग इस तरीके से समझो कि पांच परसेंट अगर मार्केट में गिरावट होती है ना तो उसे पुल बैक कहा जाता है ठीक है अगर 10 परसेंट की गिरावट होती है मार्केट में तो उसको करेक्शन कहा जाता है ठीक है अगर 20 परसेंट की मार्केट में गिरावट होती है तो उसको मंदी मार्केट कहा जाता है मतलब कि बियर मार्केट कहा जाता है।, है और अगर 20 परसेंट से ज्यादा की गिरावट होती है तो उसको रिसेशन का नाम दिया जाता है ठीक okay. है तो अगर आप इस तरीके से मार्केट को देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सकते हैं तो सर ये हिसाब से माने कि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो तो अभी करेक्शन के आसपास भी नहीं है नहीं हमारी मार्केट में ही आ रहे हैं भाई 5 से गिरावट ज्यादा हो हो रही वो फिर कवर भी हो है कवर कर है वो वापस फिर और नया हाई बना देती है तो मतलब कि अपनी इंडियन मार्केट में ऐसा डर वाला माहौल नहीं है जितना कि सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है तो आई होप सर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उन्हें इस वीडियो से काफी फायदा मिला होगा और इन सारी बातों को आप इग्नोर करें और अपने टारगेट्स पे अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटैक्ट रहें और कोई भी डिप आता है तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ही उसे ले आई होप आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया होगा हम एवरी वेनजडे सैटरडे अपना वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को शेयर करें लाइक like करें वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे टिल देन इन्वेस्ट वॉइज एंड इट वाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग